माननीय सदस्य श्रीयुक्त मोहम्मद हनीफा जी। मैडम जो होल्ड वोल्ड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन मैडम, मैडम 2,86,97,592 मैडम स्पीकर, आज आप बताइए, आप बोलिए। इस बजट पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम इस बजट में लद्दाख को तकरीबन 6,000 करोड़ की एलोकेशन किया गया है, तकरीबन इतना ही पिछले बजट में भी इतना ही एलोकेशन किया गया था, लेकिन इसको रिवाइज टाइम पे इसको 4,500 करोड़ तक जो है इसको महदूद किया गया। उसका रीज़न ये बताया गया कि वहाँ पर जो है ख़र्चा कम किया गया है। मैडम लद्दाख का जोग्राफिया हालात और मौसमी हालात ऐसा है कि वर्किंग सीज़न जो है वहाँ पे बहुत देर से शुरू हो जाती है, तकरीबन बारिश के बाद वहाँ पे वर्किंग सीज़न शुरू होता है, और जो बजट पे जो रिव्यू किया जाता है वो सितंबर में किया जाता है वहाँ पे, और बारिश और सितंबर के बीच में बहुत कम वक़्त होती है उसको ख़र्चा होने में, बिलिंग प्रोसीजर जो है वो तैयार नहीं होती है सितंबर तक, तो रिव्यू के वक़्त जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो सामने नहीं आती। ये जो इशू है मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने भी रखा था, तो इसमें जो रिव्यू है जो सितंबर में रिव्यू किया जाता है उसको अगर नवंबर दिसंबर में अगर लद्दाख में रिव्यू किया जाए तो दिसंबर तक जो है बिलिंग प्रोसीजर जो है वो पूरा कंप्लीट होती है और पूरी तरह जो एक्सपेंडिचर जो है वो सामने आ जाती है, तो उसकी बेस पे क्योंकि एक्सपेंडिचर की बेस पे जो है वो 6,000 करोड़ जो अनाउंस होता है उसको रिवाइज करके जो है वो उस रकम को कम किया जाता है। अगर दिसंबर में अगर ये रिव्यू किया जाए उस वक़्त पूरी तरह जो है लद्दाख का जो एक्सपेंडिचर है वो सामने आ जाता है, तो पूरा जो बजट अनाउंस होता है वो मुकम्मल तौर पे वो वहाँ पे खर्च किया जाएगा। दूसरा इसके अलावा मैडम लद्दाख में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है जो एक वाहिद संस्था है, वाहिद एक सेटअप है जहाँ पे ग्रास रूट लेवल से आवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो है उस काउंसिल में आके ग्रास रूट लेवल का जो है प्लान वहाँ पे तैयार किया जाता है, मगर उस काउंसिल को इस बजट का जो 6,000 करोड़ जो बजट अनाउंस किया जाता है उसका महज 10% जो है उसके अख्तियार में दिया जाता है। तो हमारी डिमांड है कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को कम से कम 40-50% जो बजट है उसकी उनके अख्तियार में दिया जाए, और काउंसिल एक्ट में यहाँ पे पिछले बार जब जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल लाया गया था उस वक़्त ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे वादा किया था कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो पावर है उसको एम्पावर किया जाएगा, उसको घटाया नहीं जाएगा, लेकिन ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जो बजट जाता है जो केपेक्स बजट जाता है वो जो 2019 में जो यूटी बनी उससे पहले ये नॉन लेसेबल हुआ करते थे, लेकिन अब वो लेसेबल है, तो हिल काउंसिल को तकरीबन 40-50% इस बजट का उनको दे के उसको नॉन लेसेबल बनाया जाए। ऑनरेबल मैडम आज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी बातें हुई, यहाँ पे कहा गया कि ये जो बजट है ये एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है, लेकिन आज लद्दाख में अगर सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा परेशानी है तो वो बेरोज़गारी की है। लद्दाख में पिछले 5 साल से 2019 में लद्दाख को यूटी बनाया गया, उसके बाद यूटी बनाने के बाद अब तक मैडम प्लीज़ लद्दाख के कुछ इश्यूज़ यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा टाइम जो है मुझे दिया जाए। लद्दाख में बेरोज़गारी का मसला आज सबसे बड़ा चैलेंज है, पिछले 5 साल में खासकर गेजेटेड पोस्ट का कोई भी रिक्रूटमेंट लद्दाख में नहीं हुई है, वहाँ पे
पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक नहीं बना है। जम्मू कश्मीर पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन के साथ पहले था, यूटी बनी, वहाँ से अलग हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक नहीं बनी, रिक्रूटमेंट रूल अभी नहीं बनी, बन रही है। मैडम प्लीज़ मैडम, मुझे उस दिन भी मुझे टाइम नहीं दिया गया था। आज कुछ इश्यूज़ है जो ज़रूरी है यहाँ पे रखना। लद्दाख के लेकर दीजिए जवानों, जवान लोग, जो नौजवान तबका है, पढ़े लिखे यूथ से आज परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है मैडम। लोगों को, बहुत सारे जवानों को, बहुत सारे पढ़े लिखे यूथ को ओरेज हुआ है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। आज लद्दाख में जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट सिस्टम को जो शुरू किया जाए, पीएससी का गठन किया जाए। अगर लद्दाख को अलग से पीएससी देने में मुश्किलात है तो जम्मू कश्मीर पीएससी के साथ रखा जाए और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट शुरू किया जाए। और रिजर्वेशन 80% की बात पिछले हाई पावर कमेटी के गवर्नमेंट के साथ मीटिंग में हुई थी, 80% रिजर्वेशन वहाँ पर मिलना चाहिए। और एलआरसी मैंडेटरी होनी चाहिए। ये